कोई भी चीज खो जाए, छुप जाए, आंखों से ओझल हो जाए तो इंसान बेचैन हो जाता है। परंतु प्यार अगर ओझल हो जाए, छुप जाए, प्यार दूर हो जाए, रिश्ता खटास में पड़ जाए, शादीशुदा वैवाहिक जीवन अगर हाथ से फिसलने लग जाए तो सब कुछ खराब लगता है, यहां तक कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक जायफल दो लौंग यहां छुपा के रख दो। ये वस्तु छुपाने में तो समय लगेगा, छुपे हुए प्यार को बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा। किसी भी वजह से कोई छुप गया हो, गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से, एंजाइटी की वजह से, किसी दूसरे की बहकावे की वजह से, किसी और कारण की वजह से, कुछ हो नहीं सकता इसकी वजह से, उसके घर वालों की वजह से, परिवार वालों की वजह से, छुपने का मतलब है रूठ गया हो, दूर चला गया हो, या जाना चाहता हो, या जा रहा हो, या रिश्ता टूट रहा हो, उसे छुप जाना बोलते हैं ना। तुम छुपे हो कहां, गाना याद है ना, पूरा विश्लेषण बता रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ में प्यार भरा जाता है, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को मजबूत किया जाता है, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके संबंधों को, रिश्तों को पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा किया जाता है। यहां शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। आप जो भी चाहते हो, जैसे भी चाहते हो, जिस प्रकार चाहते हो, हर एक स्थिति में, हर एक सिचुएशन में हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपके पक्ष में खड़े हैं। ये संस्थान 4000 लोगों को लेकर के रिसर्च करता है और आपको काम में मदद कराता है। हमारे यहाँ पिछले 20 सालों में लगातार निरंतर बार बार हर बार 21 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। यहां रोज गंभीर चिंतन किया जाता है, रिश्तों की संवेदनाओं को समझ करके आपको सलूशन बताया जाता है। ट्रेंडिंग पर रहना स्वभाव नहीं है, लेकिन ट्रेंड में जो समस्याएं चल रही उनको सलूशन देना स्वभाव में बन गया है। आज हम कह रहे हैं कि जायफल और लौंग छुपा देने से प्यार मिल जाता है। कोई चीज छुप जाए और कोई चीज मिल जाए, ये एक टोटका है। इस टोटके में बहुत बल मिलता है अगर किसी अच्छे पर्व पर किया जाए, बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ किया जाए तो इस पर बहुत सारा फल मिलता है। छुपने के बारे में, रूठने के बारे में बड़े सारे सॉन्ग हैं, बड़ी सारी गाने हैं, बड़ी सारी संवेदनाएं हैं। छुप छुप बैठे हो, जरूर कोई बात है, दूर हो रहे हो, संवेदनाओं को, फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना। जिसको प्रेम है, जिसको रिलेशंस में कनेक्शन है, उसको सब कुछ बेकार लगता है। ये आयु, जाति, परंपरा, संप्रदाय इन सब चीजों से ऊपर है और भिन्न है। जहां पर रिश्ते, नाते, व्यवहार, पैसा, धन दौलत, संपत्ति, एजुकेशन, नॉलेज, रूप, रंग, स्वरूप सब कुछ बेकार लगने लगे, सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखाई पड़े, ये सच्चाई का दूसरा नाम है। तुम्हारे सच्चे प्यार में पूरी सच्चाई के साथ सलूशन देने के लिए हम लोग हर दिन हाजिर होते हैं और संवेदनाओं के साथ। ये यूट्यूब चैनल वो वाला नहीं है जहां पर सिर्फ हाथ और कुछ सामान दिखा करके आपको बेवकूफ बनाया जाता है। ये वो यूट्यूब चैनल भी नहीं है जहां पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स के लिए काम किया जाता है। ये यूट्यूब चैनल वो चैनल भी नहीं है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पित बातें की जाती है या किसी दूसरे की सुनी हुई चीजों को अपना रंग रोगन लगा करके बताया जाता है। ये वो YouTube चैनल है जहां पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार निकाल करके, निचोड़ करके आपके सामने साझा किया जाता है।
हाँ, शब्दावली किसी से मैच कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा YouTube चैनल देखते हैं और सुनते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि हमारे पढ़ाए हुए सिखाए हुए कितने ही सारे लोग हैं जो YouTube चैनल पर भी अपना काम कर रहे हैं, या यूं कह लो कि हमारे यहाँ काम करने वालों में से कई सारे लोग जाकर के अपना काम शुरू कर दिए। नाम नहीं लेना चाहता, हर व्यक्ति का अपना विषय है, अपना विशेषज्ञ है, सब अपने हिसाब से देखें। कौन कम जानकार है, कौन ज्यादा जानकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ होता है किसकी बात किसको सूट करती है, सिर्फ होता है किसको कौन सी बात समझ में आती है। मैं ना तो कोई महामहोपाध्याय हूं, ना तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, पर हाँ ये बात पता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा गुरु हूं। मुझे ये बात पता है कि मैं चीजों के संवेदनाओं के साथ काम करता हूं। आपको पता है हम PhD हैं, हम लगातार लोगों को सिखाना समझाना और बताना। आप हमें बड़ा मानते हो, आप सब भगवान कहते हो और पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो। मैं हमेशा रोकता हूं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, इसलिए कि भगवान ऑलवेज भगवान है, इंसान कभी भगवान बन नहीं सकता। यह सत्य है कि मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरा बल आपको काम करता है। ये सत्य है कि मेरे आशीर्वाद से, मेरे कहने से, मेरे आदेश से लोगों के काम होते हैं, इसलिए लगातार लोग इस बात के बारे में बात कर रहे होते हैं। परंतु हम दे ही उसको पाएंगे जिसके साथ हमें लगता होगा कि हमारी तपस्या लगाना सही है। पात्रता जब तक नहीं जान ले, तब तक कुछ भी देना उचित नहीं है। मैं स्वयं सिखाता बताता हूं तुम्हें। अपात्र दीयते दानम तद्दानम दानशम प्रतम। मैं कहता हूं अपात्र को दान नहीं देना चाहिए, दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। इसलिए हम लोग सोच समझ के, जान के अच्छी तरीके से काम करते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर तुम कॉल करके अपनी संवेदनाओं के साथ बात करना, बस एक ही बात का ध्यान रखना है। मैं काम इसलिए नहीं करता कि मुझे संपत्ति मिले, धन मिले। कोई सोना चांदी का कभी देखा आपने कुछ पहने हुए? ऐसा नीड नहीं है। आप सच मानो, जितने भी मैं कपड़े भी पहनता हूं ना, पोल खोल, वो भी सब तुम्हारे सबके दिए हुए ही होता है। जबरना देने मत लगना ना सब लोग। तो कुछ भी चीज मैं अपने लिए ना खरीदता हूं, ना ही कुछ बनाता हूं, ना ही कुछ करता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूं जो कुछ करता हूं। मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरी संपत्ति, मेरी विश्व व्यवस्था मेरे बच्चों के लिए है। बच्चे तो तुम ही हो, बाहर कहां जाऊं लेकर के। वसुधैव कुटुंबकम की भावना है ना, इसलिए काम नहीं करता कि तुम लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कभी कहा मैंने? क्या कभी नहीं कहा। तुम्हारी मर्जी है यार, तुम्हारा परिवार है ये। तो कहने का सीधा संबंध है कि तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है, तुम्हारा संप्रदाय बढ़ रहा है। और यहां पर कोई जनरल नॉलेज वाले लोग थोड़ी आते हैं, यहां पर लोग सिर्फ स्पेसिफिक किसी चीज के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए, रिश्तों के लिए। क्योंकि पता है ना, यहाँ शादी के पहले और शादी के बाद की तो समस्या का समाधान होता है। सिर्फ रिश्तों को ठीक किया जाता है, कोई भी रिश्ता हो, और कोई काम नहीं होता। हम सब कुछ नहीं करते, हम कुछ करते हैं लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, है ना। जायफल और लौंग छुपाने से प्यार मिल जाता है, जायफल और लौंग छुपाने से रिश्ता हाथ में आ जाता है, छुपा हुआ प्यार उनके अंदर उपज जाता है। जायफल और लौंग छुपाने से आपको वो सब कुछ मिल जाता है रिश्तों में जिसकी आपको जरूरत है। जायफल वैसे भी बहुत तंत्र मंत्र और वशीकरण इत्यादि के लिए यूज की जाने वाली चीज है। लौंग उसमें दूसरा और सोने में सुहागा का फल देती है। सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ही औषधियां ऐसी हैं कि इनमें मंत्र डाल करके कई कई महीनों तक सेफ रखा जा सकता है। किसी दूसरी चीज को अभिमंत्रित करो, जैसे पानी को अभिमंत्रित करो, 24 घंटे में उसका बल खत्म हो जाता है। किसी भी खाने की वस्तु में डालो तो 21 दिन बाद उसका बल खत्म हो जाता है। लौंग, जायफल, इलायची, ये तीन ऐसी चीजें हैं कि इसमें कई सालों तक, 12 वर्षों तक इसका प्रभाव खत्म नहीं होता। हाँ, और खास तौर से किसी पर्व हो, नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, शिवरात्रि हर महीने में भी 2 बार आती है, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, सावन के सोमवार हो, कोई विशेष ग्रहण पड़ रहा हो, कोई अच्छी तिथि हो, कोई अच्छा पर्व हो, कोई भी बढ़िया मुहूर्त अगर मिल जाए उसमें तो और भी कहने क्या, या और सोने में सुहागा हो जाता है। क्योंकि इसको कहते हैं कि उस समय कोई चीज खर्च करो, यानी कुछ बोलो, कुछ कहो, तो और बढ़ जाता है। क्योंकि ब्रह
कृते वर्धति एव नित्यम् ब्रये कृते वर्धति एव नित्यम्। और ज्ञान की विद्या है ना, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सारे धनों में तुम्हारे ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की, ज्ञान की और मंत्रों की जो विद्या है वह सबसे बड़ी प्रधान विद्या है। तो आज उसी विद्या के बारे में आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। एक अनुभव ले लेते हैं आपके बीच से ही, एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपने जो उपाय बताए मैंने किए, मेरे लड़कों में अब काफी सुधार है। गुरु जी आप बहुत महान हैं। गुरु जी आप साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए आनंदम शिव महापुराण कथा, दिनांक 10 से 18 अप्रैल 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल गाँव लोहा, पोस्ट शहरोल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग चैनल पर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202, 6391292929। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयोजक श्री मनोहर चंदेल एवं सद्गुरुनाथ धाम परिवार सोलन। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जिनको प्यार की नीड है ना, उनको किसी और चीज की नीड नहीं होती। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, ये पूजा है, ये इबादत है, ये साधना है, ये तपस्या है, और तपस्या की कोई दिन और समय अवधि नहीं होती। तपस्या करने वाला व्यक्ति ये कभी कहां सोचता है कितने दिनों में भगवान प्रकट हो जाएंगे, वो तो बस तपस्या में लीन हो जाता है, कभी एक दिन में, कभी दो दिन में, कभी हजारों सालों में भी। हाँ, और शास्त्र कहता है तिभिर पक्षेर तिभिर माशेर तिभिर वर्षेर फलात्मका। किसी भी फल के लिए या तो 3 पक्ष में, या तो 3 महीने में, या तो 3 साल तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो अगर सच्ची तपस्या है तो किसी को समस्या नहीं होगी, पर झूठा कुछ है तो आज कोई और कल कोई और, अगर ये भावना है आप सत्य मानो, यकीन मानना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे संख्या में लोग आते हैं जिनका कल कोई और था, आज कोई और है, 15 दिन बाद ही चेंज हो जाता है। अच्छा जी रहने दीजिए इसको ना, ये ठीक नहीं था, ये वाला जो दूसरा है बिल्कुल परफेक्ट है, या दूसरी जो है ये एकदम ठीक है। ऐसे लोगों का काम हमारे यहाँ नहीं किया जाता, परंतु आप सत्य मानिए कि हम सिर्फ निष्ठावान सच के साथ, सच्चाई के साथ और सच वाले विषय पे काम करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारे पास संख्या में 98% लोग तो वही है ना जो सच्चे हैं, 1-8% कहीं यहाँ वहां से ढंग के लोग आ जाते हैं, उनको हम इंटरव्यू ही नहीं करते, फिर वो चीखते, चीखने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारे चीखने से भी कहां फर्क पड़ता है, कुछ भी कहते रहो। कभी किसी ने कहा कि आपका एपिसोड शुरू नहीं हुआ और किसी ने आकर के कुछ कमेंट्स उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया, तो करने दो ना, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है साहब, किसी के कहने से कुछ होता है क्या? चलो सब लोग मिलके मुझे प्रधानमंत्री बोलना शुरू करो, मैं हो जाऊंगा का? हो ही नहीं सकता साहब, उसके लिए बड़ी बहुत बल चाहिए, बड़ी ताकत चाहिए। राष्ट्रपति बोलो सब लोग मिलके, हो जाऊंगा? नहीं, संभव नहीं है साहब। कुछ भी बनने के लिए अच्छा या बुरा आप में पात्रता चाहिए। किसी के कहने से हो जाएगा? अरे ये तो दुनिया है साहब, सबको सब कुछ कहती है। ईसा मसीह को लोगों ने हाथ पैर में कील गाड़ दिए है ना, जानते हो ना, कितने ही महापुरुषों को पत्थरों से पीट पीट के मार डाला। जिस राजा और हीर की मजनू और जिस प्यार में जितने भी लोग आए, जिनकी कथाएं लोग पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको उन्हीं लोगों ने पीट पीट के मार डाला। ये दुनिया बहुत अच्छी थोड़ी है, इसमें पूरे के पूरे विश्व में
जितने अच्छे लोग हैं वो सब लव विद एस्ट्रोलॉजी में हैं। क्योंकि इधर सब प्यार वाले लोग हैं, इधर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है। अच्छा तुम्हें जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, कितने ही लोग ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं गुरुजी स्क्रीनशॉट, गुरुजी आपके बारे में ये सर। अरे भाई मुझे क्यों सुनना है, मुझे क्यों जानना है, ये तुम्हारी आंखें खराब है तुम्हें वही ही दिखता है। अरे हजार लोग प्रणाम करते हैं वो क्यों नहीं दिखता तुमको, हजार लोग आशीर्वाद मांग रहे होते हैं, आदेश मांग रहे होते हैं, वो क्यों नहीं दिखता तुम्हें। कोई एक मूर्ख ने कुछ भी आईडी चेंज करके, आईडी देखकर आप कैसे समझ सकते हो कि वो कौन है। तुम्हारे अपने नाम की भी तो आईडी बन सकती है ना, कोई भी बना सकता है। जो भी उस आईडी में लिखा है उसका नाम वो है भी कि नहीं, कोई तांत्रिक महाशय तो नहीं है, और कुछ नहीं, मस्त रहो तुम। सीधा उपाय की ओर चलते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि आपको चाहिए जायफल और लौंग, लेकर के बगल में संख्या लिखी है, बहुत शॉर्टकट बता रहा हूं क्योंकि बड़े सारे प्रपंच किए आज, लंबा लंबा नहीं करूंगा, सीधा बता रहा हूं। जायफल और लौंग आपको एक ब्लैक, नीले या बैंगनी कलर के कपड़े में बांध देना है। बांध करके अपने घर में कहीं ऐसी जगह छुपा देना है जहां बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा और आपका स्टोर रूम जैसी कोई जगह हो, वहां जाकर के आपको छुपा देना है। छुपाने के बाद कुछ इस तरह से छुपाने की कोशिश करिएगा कि अगली बार जब आपको ढूंढने की जरूरत पड़े तो कम से कम घंटा भर लगे ढूंढ के निकालने में, और तब तक छुपा रहने दीजिएगा जब तक छुपे रुस्तम आपके सामने ना हो। एक बार करके देखिए, ये टोटका बहुत फर्क डालता है। कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई तंत्र की जरूरत नहीं, बस इसको एक बार चूम करके छुपा दीजिए, बस तुम्हारे उस स्पर्श में वो ताकत है जो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारा मूल्य, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा बल, तुम्हारा पौरुष तुम्हें पता नहीं है। स्पर्श तो जानवर भी समझते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाने, इतनी तो पशु पक्षियों को भी पता चलता है। बहुत खुश रहिए, ईश्वर पर बहुत श्रद्धा रखने की कोशिश करना, बहुत मन से रहना, परमात्मा बहुत दयालु है, हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा होता है, उसकी बड़ी कृपा है। गुरु का आदेश लेना पड़ेगा कि ये टोटका है, इसमें गुरु विधान गुरु आदेश के काम नहीं चलता। खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास से करना, तुम्हारा काम जल्दी होगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो, और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना, प्रीवियस लाइफ मत बताना, रोना भी लगना, परेशान होना, नेगेटिव थिंकिंग करना टोटल बंद कर दीजिए। एक सिंगल बार रोने से 21 बार खराब होता है, यानी अगर दिन में 4 बार रो लिया तो 80 दिन खराब कर दिए। कितने दिन बाद तुम्हारा काम होगा जरा चिंतन करना, जानबूझ के नहीं करते, अनजान में ही सही बर्बाद तो कर ही रहे हो, कम से कम अपनी ही बर्बादी रोक लो भाई। बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुम्हारी मेरी बात सुनते हो ना, तभी तो इतनी अधिकार से कहता हूँ, पिता हो ना तुम्हारा, भाई हूँ, दोस्त हूँ, गुरु हूँ भाई तुम्हारा, कहूंगा मेरा अधिकार है। बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए आनंदम शिव महापुराण कथा, दिनांक 10 से 18 अप्रैल 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल गांव लोहा, पोस्ट शहरोल, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग चैनल पर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202, 6391292929। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयोजक श्री मनोहर चंदेल एवं सद्गुरुनाथ धाम परिवार सोलन। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली
और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।